पूरा व्यू इधर का आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत व्यू, ये देखिए ये इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल व्यू है इधर का पूरे का। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नीता और आपके अपने चैनल इशिताज क्रिएटिव कॉर्नर पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके साथ कुछ दूसरे ढंग से आपका वेलकम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हम कुछ दूसरे काम में बिजी हैं, हम अपना डीआईवाई वगैरह नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी तेज़ धूप है इधर पर, मतलब हैं तो बादल लेकिन जो काफ़ी तीखी सी धूप लग रही है। तो इधर पर आज हम आए हैं खेत पे, वैसे तो हम कई दिनों से आ रहे हैं और कोशिश की कि जब तक हम अपना डीआईवाई डाल पाए हैं तो डाला है, लेकिन काफ़ी दिनों से हम काफ़ी बिजी चल रहे थे क्योंकि अभी कुछ हमने खेती का काम हम लोग के यहाँ चल रहा था, तो जिसमें कि तिली मूंगफली और साथ में उड़द वगैरह के हम लोगों ने खेती की थी, जिसके कि प्लांट वगैरह लग चुके हैं और काफ़ी अच्छे हो गए, मतलब बुवाई की थी और उसके बाद जो है तो काफ़ी अच्छे प्लांट्स वगैरह निकल आए हैं और हम उसकी क्लिप्स जो है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, इसी वीडियो में आपको डाल देंगे कि किस तरह से उधर हुआ है। आज हम लोग आए हैं कि अब हम लोगों को तैयारी करना है सब्जी लगाने की, तो सब्जी लगाने के लिए दो खेत छोटे छोटे तैयार हो चुके हैं तो उनमें लगाना है। वैसे तो सितंबर में बाकी सब्जियां लगेंगी, लेकिन छोटी मोटी जो भी सब्जी है तो उसको हमको लगाना है। तो आपको दिखा दे, जैसे कि ये एक पीछे डला हुआ खेत है, आपको दिखा दे, ये वाला इधर पर जुताई हो चुकी है, इधर पर लगाने हैं हम लोगों को सब्जियां, जो भी सब्जी लगेगी। और साथ में एक जो है तो आपको दिखा दें उस साइड को, एक उधर पर है जहाँ पर जुताई हो चुकी है और सब्जी लगाना है। तो इस तरह से काफ़ी कुछ जो है तो तैयारी हो गई है, लगाना भर है। और साथ में आपको दिखा दें कि कुछ चीज़ें जो हैं तो हम लोगों ने लगाई हुई हैं, जैसे कि बरबटी वगैरह के प्लांट तैयार हो गए हैं, काफ़ी बारिश हुई है तो पूरी मिट्टी जो है तो इसमें पैर अंदर जा रहा है। तो आपको दिखा दें कि बरबटी के प्लांट लग चुके हैं और थोड़े ये बड़े हो गए हैं, तो चलिए बैक कैमरे से आपको थोड़े से दिखा देते हैं कि अभी क्या प्लांट लगे हैं, किस तरह से उसके प्लांट, किस तरह से हमने उसकी शुरुआत की थी। कुछ कुछ क्लिप्स ली थी जो कि आपके साथ हम शेयर करेंगे। साथ में आप व्यू देखिए कि कितना खूबसूरत सा व्यू है। तो अभी तक हम आपके साथ DIY वगैरह शेयर कर रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से हमारे DIY नहीं जा पा रहे क्योंकि कुछ इन सब कामों में हम लोग बिजी हैं, तो इस कारण से नहीं जा पा रहे हैं। अब आपको दिखा दें हम कि इधर पर नर्सरी भी बनाने का हम लोगों का प्लान है कि इसमें काफ़ी कुछ प्रोजेक्ट हमको तैयार करने हैं, तो इधर का एरिया जो है तो बनाना है, नर्सरी में कन्वर्ट करना है इसको। अभी थोड़े बहुत ही प्लांट लगे हैं, देखिए आपको दूर से दिखा दें, ये कुछ प्लांट लगे हैं, कुछ ख़राब हो चुके हैं, काफ़ी कुछ प्लांट इधर पर थे आपको बता दें, लेकिन लापरवाही के कारण बहुत सारे प्लांट ख़राब हो चुके हैं। तो अब हम लोगों को इस काम को करना है, देखिए इधर पर, और ये सारा प्रोजेक्ट जो है तो इसको काफ़ी डेवलप करना है एक तरह से कहिए तो। इधर पर सोच रहे हैं नर्सरी का होना है और काफ़ी बड़ा एरिया है इधर पर, तो ये सब करना है। अब देखिए कैसे क्या होता है, ये आपको समय समय पर हम बताते जाएंगे। इसमें देखिए ये तेज पत्ते का प्लांट, ये काफ़ी अभी ला के लगाया गया है और इस तरह से काफ़ी प्लांट इधर पर लगे हैं, और भी दिखा रहे हैं आपको, देखिए इधर पर तेज पत्ते का एक ये लगा है, ये इधर पर है, और वो कटहल वगैरह के अभी रखे हैं जिनको कि लगाना है, तो ये काफ़ी प्लांट इधर पर रखे हैं, तो इनको अभी सबको जो है तो खेत पे लगाना है। ये इधर पर काफ़ी बड़े में काम करना है, लेकिन देखिए कब तक होता है। ये देखिए ये भी तेज पत्ते का प्लांट, ये गिर गया था इधर पर, ये देखिए है ना, और बारिश काफ़ी हो रही थी इधर पर। एक खेत है इधर पर और आप देख सकते हैं कि कटहल के, आम के, इस तरह से इधर पर प्लांट लगा है। पूरा व्यू जो है तो वो कुछ इस तरह से है। और आपको एक चीज़ बता दें, देखिए इधर पर सब ट्रैक्टर वगैरह खड़ा है कि इसको काफ़ी बड़े पैमाने पे हम लोग करना चाहते हैं, सब्जी वगैरह लगाना, जैसे वो सब खेत डले हैं
तो इसमें भी करेंगे, देखिए किस हिसाब से करते हैं, शायद मल्चिंग वगैरह करके या इस तरह से करेंगे। तो इसको काफ़ी बड़े में करना है, तो सोचा आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। तो देखिए इस तरह से ये खेत वगैरह तैयार हैं। तो सेम, और क्या लगना है, तुरई भी लगाओगे क्या? पूरे मिट्टी में चले गए। क्या लगाना है तुमको, इस इधर दिखाना। हाँ सेम लगाना ना, हाँ सेम लगा, हाँ और बाकी लग गए हैं। बाकी लग गए थोड़े बचे। तो आज ये तुरई भी लगाओगी क्या? देख रहा पहले जी लगा दें पहले तो। ये लगा दो, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा है, बिटिया भी जा रही है करने के लिए। हाँ वही जा रही है। अरे कंगी वंगी करके अच्छे से ना। हाँ मैं बताया था चलो, तो उसी एरिया में लगाया था क्या लक्ष्मी? उसको बताया जाके जहाँ वो अंकल हाँ भाई से हम बताया था, चले जाता ना तो मैं बनाऊंगा। एक सेकंड, इतनी खाद तो बहुत हो जाना। इधर पर लगाने हैं सेम के बीज, तो घास बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बारिश भी हो रही है इसलिए घास अभी नहीं निकल पा रही है। तो अभी उतना उतना एरिया साफ़ करके और जो ज़रूरी बीज हम लोगों को तुरंत बोना है तो उसको इधर पर हम लगा देंगे, और कल परसों से जो घास वगैरह है तो इसको निकाला जाएगा। किस तरह से निकाली जाएगी ये आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लग रहा है कि अब जो ये बेल वाले बीज हैं तो वो लग जाना चाहिए। तो इधर पूरा व्यू इधर का आप देखिए कि बहुत ही खूबसूरत व्यू, ये देखिए ये इस तरह से बहुत ब्यूटीफुल व्यू है इधर का पूरे का। इधर पर सारे ये वाले प्लांट जो हैं ये अंजीर के, ये जितने लाइन से इधर घास काफ़ी कुछ हो गई है, आप देख सकते हैं काफ़ी कुछ घास है। तभी ये सब निकलना है क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा थी, जुताई हो चुकी थी लेकिन इसके बाद भी काफ़ी कुछ बारिश के कारण ये फिर निकल आई है। तब 2-3 दिन के बाद इसका भी करना है। अभी जो लगाने हैं बीज वो हम लोग लगा के और फ्री हो जाएंगे, फिर बाद में जो सितंबर में लगना है उसकी तैयारी अभी 5 से 6 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। इधर पर भैया लोग देखिए बीज लगा रहे हैं सेम के, वैसे तो सेम के बीज कुछ दिन पहले लग जाने थे लेकिन ये देखिए इधर पर, इधर पर बीज डाले जा रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें कि जो भी फार्मिंग का काम रहता है उसमें काफ़ी कुछ मेहनत होती है, जिसमें कि चाहे आप हो या आपके साथ काम करने वाले लोग हों, उधर पर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है। और साथ में किस एरिया में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि घास काफ़ी कुछ हुई है और साथ में पानी काफ़ी कुछ है, लेकिन आपको वहाँ पर अपना काम करना है तो काफ़ी मेहनत के बाद जो है तो ये काम हो पाता है। इधर पर पूरा ड्रिपिंग सिस्टम है, आपको दिखा दें, ये पूरा ड्रिपिंग सिस्टम है वो आप, ये देखिए इस तरह से घास बहुत ज़्यादा हो गई है, इसको अभी निकलवाना है, कैसे क्या निकलता है वो देखेंगे। और बारिश का मौसम पूरा हो गया, व्यू आपको चारों तरफ का दिखा देंगे, कितना ज़्यादा सुंदर व्यू है इधर का। ये देखिए बादल हो गए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है बहुत अच्छी, ये देखिए इस तरह से बादल काफ़ी तेज हो रखे हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छा व्यू है। तो चलिए इतना काम तो हो गया, अब चलते हैं घर की तरफ, है ना। सुबह से हो गया इधर पर हमको, और इधर पर आप जो है तो शूज़ की कंडीशन देख सकते हैं, काफ़ी मिट्टी में पानी था और इस तरह से उधर पर चलना काफ़ी परेशानी होती है घास में चलने में, और साथ में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं डर भी लगा रहता है कि कहीं पर कोई जानवर वगैरह ना हो, छोटे जैसे सांप बिच्छू वगैरह इस तरह से। फिर हम लोग घर की तरफ निकल गए थे, और आपको दिखा दें कि रोड जो है तो काफ़ी कुछ ख़राब थी, पानी के कारण काफ़ी ख़राब है, और काफ़ी प्रॉब्लम के बाद आपको बता दें कि ये सब काम होते हैं। तो इधर पर देख लीजिए कि किस तरह से पूरी हर तरफ हरियाली है, हर खेत में बहुत अच्छे से तिली वगैरह निकली हुई है, और आपको आगे भी हम दिखाएंगे कि जो शुरुआत हम लोगों ने की है तो वो किस तरह से की है। आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता कि हम अपना कोई काम कर पाएँ, जैसे कि DIY वगैरह का। रोड आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो स्टार्टिंग में जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो जो भी इधर पर खेत डले हुए थे, तो आपको दिखा दें कि उनकी ये कंडीशन थी। इधर से पत्थर वगैरह निकाले गए थे बड़े बड़े, और उसके बाद इसको समतल किया गया था। तो इस तरह से पहले ये सब काम कराया गया है, ये करीब 2 महीने से 2.5 महीने से ये सब काम चल रहे थे,
इसके बाद पूरे खेत को लेवल पे करने के बाद ट्रैक्टर वगैरह चलवाया गया था और कंटिन्यू हम लोग साथ में थे और काफ़ी मेहनत होती है। और ये सब चीज़ें हम लोग क्यों कर रहे हैं, पहली बार हम लोगों ने ये सब कुछ कर रहे हैं तो कितने हम लोग सक्सेस होते हैं ये अभी हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश जो है हम लोगों की लगातार है कि कितना कुछ हम लोग कर सकते हैं। अब आगे जो है तो ये सब नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि खेती हम लोगों की कैसी होगी। शुरुआत में जब बेटा भी आता था और जब हम नहीं आते हैं तो कभी बेटा कभी हम आते हैं, और फर्स्ट चांस देखिए जब इस तरह से ये प्लांट निकले थे तो काफ़ी अच्छा लगा था, काफ़ी छोटे छोटे प्लांट थे देखिए इस तरह से। अब इसके बाद जो है तो कुछ दिनों के बाद जब ये ही प्लांट बड़े हो चुके थे तब हम और बेटा आए थे। आपको बता दें कि कितना चलना होता है, कितना काम करना होता है। पैदल चलना है उधर तक? कितना दूर है इधर से बताओ? 2-3 किलोमीटर। 2-3 किलोमीटर। ये देखिए जो ये छोटे छोटे प्लांट आपको पहले दिखाए हैं तो सारे में तिली उगी हुई है देखिए, और तिली भी जबरदस्त हुई है, बहुत ही काफी अच्छी क्वालिटी हुई है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करता है बारिश वगैरह नेचर पर, देखिए कब बारिश होती है कब नहीं होती, कितनी जरूरत है। तो इस तरह से अब हम लोग को जाना है आगे देखने के लिए, जो आगे भी हम लोगों के खेत हैं तो इधर से कम 3-4 किलोमीटर का हम लोगों को एरिया पड़ेगा। और इस तरह से हमको घास ही घास में जाना है और खेत के अंदर से जाना है, काफी कुछ डर रहता है कि लेकिन आज की धूप लग रही है ना, बिच्छू या कुछ भी जो है तो मिल भी सकता है। तो इस तरह से हम लोग पैदल गए थे और पैदल आते हैं। कहना बहुत आसान है खेती करना, लेकिन आपको बता दें कि जो हम कर रहे हैं या हमारे साथ वाले भैया लोग काम कर रहे हैं उनको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए बताना आपको है, बारी आपकी है कि आज का हमारा ब्लॉग जो है तो आपको कैसा लगा। थैंक यू।